वेलकम बैक टू माई चैनल और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही यमी खीर मखाने की जिसे हम व्रत में भी खा सकते हैं और लड्डू गोपाल के लिए भी बना सकते हैं और या वैसे भी जब भी कभी मन हो तो भी, भी आप बना के खा सकते हैं ये बहुत टेस्टी लगती है इसके लिए हमने एक पैन में घी लिया है और इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्का सा भून लेंगे जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं और इन सभी को हमें धीमी आंच पे भूनना है आप पिस्ता चिरौंझी और किशमिश कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है तो इन सबको भूनने के बाद फिर इसे हमने अलग प्लेट में निकाल लिया है अब उसी पैन में हम थोड़े से जो मखाने हैं उसको भी हल्का सा भून लेंगे थोड़ा सा घी डालकर और इसे हमें लगातार चलाते रहना नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे, तो चलाते हुए इन मखानों को हम अच्छे से भून लेंगे और एक हमने मिक्सी का जार लिया है उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं थोड़ा सा हमने जो नारियल का बुरादा था वो भी इसमें डाल दिया है और इसको बिल्कुल हल्का सा दरदरा पीसना है देखिए इसमें कुछ आ, साबुत मखाने भी हैं बिल्कुल ज़रा चलाया है हमने इसे एक से दो बार बस मिक्सी को चलाया है और इस तरह से हमें पीस लेना है और एक पैन में हमने दूध लिया है ये फुल क्रीम दूध है और इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी केसर और क्योंकि केसर से इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आता है केसर से तो इसमें हम डाल देंगे और इसे हम दूध को और भी इसे अच्छे से पकाएंगे और आँच हमें धीमी रखनी है इसको पकाने में कम 15 से कम पंद्रह से बीस मिनट का टाइम लगेगा और जब ये दूध गाढ़ा हो जाएगा तब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो डाल देंगे इसको हमने मिक्सी में इसलिए चलाया था ताकि जो मखाने हैं वो अच्छे से घुल जाएं और जो खीर है वो हमारी गाढ़ी हो जाए तो बहुत टेस्टी लगती है ये खीर तो सभी ड्राई फ्रूट्स को डालकर और इसे हम अच्छे से पकाएंगे अभी गाढ़ा होने तक जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से बना के खा सकती हैं और जन्माष्टमी में तो ये स्पेशल बनाई जाती है लड्डू गोपाल के लिए तो ये बहुत टेस्टी होती है बहुत अच्छी लगती है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अब इसमें हम डाल देंगे दो चम्मच शक्कर या आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप डाल दें और ज़्यादा मीठी भी नहीं अच्छी लगती है थोड़ा मत और कम मीठी भी नहीं थोड़ा मीडियम रहे तो इस तरह से चीनी डालकर इसे और हम पका लेंगे और ये देखिए ये गाढ़ी हो गई है खीर अब हमारी लगभग ये बन गई है और जब ये इसे बहुत ज़्यादा गाढ़े नहीं करना है क्योंकि जब ये ठंडी होगी फ्रिज में इसे रखेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि जो मखाने हैं वो और थोड़े मतलब फूल जाते हैं तो जो दूध है वो गाढ़ा हो जाता है ये हमारी खीर बनकर रेडी है तो इसे बनाइए और लड्डू गोपाल को इसका भोग लगाइए जन्माष्टमी में और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो